सबसे पहले मैं बाम से एक संगठन है, शायद लोग नहीं जानते होंगे, जो जानते होंगे वो अच्छी तरीके से जानते हैं। वामसेव संगठन है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम जी, और 6 अक्टूबर को उन्होंने आरएसएस मुख्यालय को घेरने का कार्यक्रम किया था, जहां पर बहुजन समाज के लाखों लोगों ने उस मुख्यालय को घेरा था और वहां अपनी आवाज बुलंद की थी। आज तक भारत के अंदर कोई भी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कितनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी हो, किसी ने आरएसएस मुख्यालय को घेरने का कभी प्रयास तो बहुत दूर की बात है, सोचना, केवल सोचना कि हमें आरएसएस के मुख्यालय को घेरना है। आरएसएस के मुख्यालय को घेरा था और बहुजन ताकत को दिखाने का काम किया था कि आप जो संविधान बदलने का जो आपने एजेंडा चला रखा है, उस एजेंडे को कामयाब नहीं होने देंगे। ये मैसेज उन्होंने नागपुर की धरती से दिया था, जो बाबा साहब की दीक्षा भूमि भी कही जाती है। उससे पहले, उसके एक दिन पहले की घटना है, 5 अक्टूबर 2022 माननीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो भवन बनाया, अंबेडकर भवन रानी झांसी रोड पर, कम से कम 10,000 से भी अधिक संख्या के अंदर लोगों ने वहां पर बौद्ध धम्म की दीक्षा ली थी। और उस बौद्ध धम्म की दीक्षा के अंदर जो समाज के शिक्षित और जागरूक लोग थे, उन्होंने उन लोगों ने जो शिक्षित और जागरूक लोग थे, उन लोगों ने गुलामी की उस बेड़ियों को ठोकर मार दी, उस गुलामी की बेड़ियों को लात मार दी कि अब हम इस गुलामी की बेड़ियों में नहीं रहेंगे, और वो हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म की ओर चले गए। ये छोटी मोटी घटना नहीं है। जब बाबा साहब ने ये देख लिया, ये समझ लिया कि हमारे लोग पढ़ लिख तो गए हैं, संविधान को समझने तो लगे हैं, संविधान को पढ़ने तो लगे हैं, लेकिन आज भी वो उस पाखंडवाद के अंदर, उस अडंबरवाद के अंदर, उस झूठ के अंदर आज भी हमारा बहुजन समाज फंसा हुआ है। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि यह मेरे बस में नहीं था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, लेकिन यह मेरे बस में जरूर है कि मैं इस गुलामी की व्यवस्था में मरूंगा नहीं, और मरने से पहले बाबा साहब हिंदू धर्म को ठोकर मारकर बौद्ध धर्म की ओर चले गए थे। तो भाई साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको इस देश के अंदर इन तकलीफों से निजात पानी है, तो इस देश के अंदर 85% बहुजन समाज रहता है, एससी एसटी ओबीसी और उसके साथ में जोड़ दो माइनॉरिटी, ये ऐसे मिलके बहुजन समाज बनता है। ये माननीय काशीराम जी का नारा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जो बहुजन की बात करेगा वो बहुजन पर राज करेगा। लेकिन आज क्या हो रहा है, बहुजन समाज के महापुरुषों की फोटो लगा लगा कर, बहुजन समाज के महापुरुषों की फोटो लगा लगा कर जनता को इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है। जब हमारा मंत्री कहता है कि ये क्या हो रहा है, तो उससे रिजाइन लिया जाता है, उसको कहता है कि आप रिजाइन दे दिया जाए, तो भैया दलितों के वोट कहां से मिल जाएंगे। अभी हमारे मौलाना साहब कह रहे थे कि मौलवियों को वहां पर सैलरी नहीं मिल रही है, और वो तो सिर्फ 2-3 महीने के लिए दिया गया था, और बीजेपी को एक मुद्दा दे दिया। तो बीजेपी भाई देखो, मुस्लिम लोग अगर आम आदमी को वोट नहीं करेगा, और बहुजन समाज तो बिल्कुल नहीं करेगा, जो बिल्कुल ही निकम्मा है, जो दलाल है बीजेपी का, जो बीजेपी की दलाली कर रहा है, केवल वही बहुजन समाज का व्यक्ति वोट उसको देगा, लेकिन बहुजन समाज का व्यक्ति कभी इस पार्टी को वोट नहीं देगा। बहुजन, जब बहुजनों का, जो एससी एसटी ओबीसी का और मुस्लिमों का वोट अगर आम आदमी पार्टी को नहीं मिलेगा, तो उसकी गवर्नमेंट कैसे बन सकती है, आप बताओ, बन सकती है क्या? अरे 15% ब्राह्मण बनिए ठाकुर, ये क्या सरकार बना सकते हैं? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप जवाब दीजिए, बना सकते हैं क्या? ये हम लोगों को आपस में बटाते हैं, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये चमार है, ये बंगी है, ये धोबी है, ये हम लोगों को आपस में लड़ाते हैं और अपनी राजनीति सेकते हैं। अगर हम हिंदू हैं,
तो हमारे बच्चे को घोड़े छूने पर उसकी हत्या क्यों की जाती है? अगर हम हिंदू हैं तो हमें घोड़े पर चलने से क्यों रोका जाता है? अगर हम हिंदू हैं तो फिर हमारी बहन बेटियों की इज्जत क्यों लीट जाती है? आप मुझे बताइए, अब कब तक हिंदू मुस्लिम के नाम पे इस देश की रोटी सेकोगे? ये आज जागने का टाइम है, समझने का टाइम है। हमारे बहुजनों के यहाँ पर काफी लोग आए हुए, उनको भी आप सुनेंगे। मेरे को जो 5 मिनट का टाइम दिया था, मैंने अपनी बात कह दी। सभी लोगों को जय भीम और क्रांतिकारी जय भीम। जोर से बोलेंगे, बोल बाबा साहब, बाबा साहब।